Hello students, welcome to my YouTube channel. In this lecture we are going to study about the different grades of steel according to IS 2062. आज की क्लास में हम लोग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील देखेंगे अकॉर्डिंग टू IS 2062। अब ये IS 2062 क्या है, ये आपका स्टील कोड है। जैसे कि आरसीसी में कोड होता था, वैसे ही स्टील में भी कोड होता है। तो ये कोड बेसिकली आपका स्ट्रक्चरल स्टील में डील करता है। स्ट्रक्चरल स्टील मतलब कि जो स्टील आपके स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, तो उसका कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसका जो कंपोनेंट जो होता है उसके, मतलब कि स्टील बनता है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट यूज़ होता है, कितने, मतलब वो एलिमेंट का क्या परसेंटेज होना चाहिए, कितने परसेंटेज में वो यूज़ होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, IS 2062 के अनुसार स्टील को 9 ग्रेड में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्टील में क्या क्या यूज़ होता है, स्टील बनता कैसे है। तो स्टील में बेसिकली आयरन रहता है प्लस कार्बन रहता है, ये दो चीज से मिलके बनता है। कार्बन का परसेंटेज आपका less than 2% होना चाहिए, 2% से भी कम रहना चाहिए कार्बन। ठीक है, तब जाके आपका स्टील का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग स्टील को बनाने में क्या क्या प्रोसेस यूज होता है, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो स्टील में बेसिकली जैसे कि आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन यूज करते हैं। तो आयरन ओर लिया जाता है, आयरन ओर क्या हो गया, वैसा रॉक हो गया जिससे आयरन को निकाला जाता है, प्लस कोक। कोक क्या है, ये आपका कोल से बनता है। ठीक है, कोक बनता है आपका कोल से प्लस लाइम। ये तीनों को पाउडर फॉर्म में पहले चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिंटरिंग। ये तीनों को पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, फिर इस सबको हीट किया जाता है बहुत सारा, बहुत हाई टेम्परेचर में। ठीक है, ये तीनों को पाउडर फॉर्म में चेंज करके पूरा हाई टेम्परेचर में हीट करने से क्या होता है, ये मोल्टेन फॉर्म में ले लेता है। ठीक है, ये चेंज हो जाता है आपका मोल्टेन फॉर्म में, मतलब जैसे दिख रहा है आपका लिक्विड फॉर्म टाइप का, मोल्टेन फॉर्म टाइप का। ठीक है, फिर अब इसको हीट करते जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर जो है इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो जाता है। ऊपर क्या है, पूरा इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो गया है, और ये इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं स्लैग। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्लैग। इसको बाहर निकाल लिया जाता है, जैसा कि आप एक प्रोसेस में देख रहे होंगे, स्लैग को बाहर निकाल लिया जाता है, तो नीचे जो मटेरियल बच गया ये पूरा, ठीक है, यही है आपका स्टील। ठीक है, यही है स्टील, स्टील को उसके बाद निकाल लिया जाता है। तो ये स्टील जो है आपका वो कम्प्लीटली रिफाइंड नहीं है, इसको फिर से फर्दर रिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो रिफाइनिंग जब किया जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारा ऑक्सीजन इसके अंदर घुल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफेयर में रिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एटमोसफेयर में रिफाइन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिफाइन करते हैं, तो ऑक्सीजन इसमें घुल जाता है, तो उसके कारण भी बहुत सारा इशू आता है। जैसे कि जब घुल गया इसमें ऑक्सीजन, जैसे कि आपको दिख रही है पूरा मोल्टेन स्टील है, जब इसमें ऑक्सीजन घुल जाता है, ठीक है, तो जब उसका सॉलिडिफिकेशन हम लोग करते हैं, सॉलिडिफिकेशन मीन्स उसको जब ठंडा किया जाता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलने लगता है, और क्या बनाता है, ये वाला डिफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये डिफेक्ट है, ऑक्सीजन जहाँ जहाँ से बाहर निकला वहाँ पे होल बना दिया है, तो इस होल को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लो होल्स बोलते हैं, ब्लो होल्स। और एक प्रेसिपिटेट भी बनाता है, चूंकि इसमें आयरन भी है, तो आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलके FeO बना देता है। ठीक है, FeO भी बना देता है, तो ये दोनों जो है आपका स्टील में एक तरह से डिफेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो काफ़ी खराब दिखने लगा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, तो डीऑक्सीडेशन को क्या करेंगे, मतलब कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रिमूवर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सीडेशन। ठीक है, अब स्टील से ऑक्सीजन निकालना बहुत जरूरी है, तो वही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आगे देखिए, जब 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है आयरन का, यहाँ पे देखिए स्टील जो है ये आपका, इसका टेम्परेचर जब 1600 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन का सोलिबिलिटी होता है लगभग 0.23%। ठीक है, 0.23% होता है, और वही जब इसका सॉलिडिफिकेशन होता है, मतलब जब ये जम जाता है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज एकदम घट के हो जाता है आपका 0.003। मतलब ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन आपका ऑक्सीजन क्या होता है, उसमें उसका मात्रा में काफ़ी
काफी चेंज आता है, बहुत घट जाता है उसका मात्रा, 0.23 से सीधा 0.003% में आ गया, ठीक है, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब ऑक्सीजन निकलने के कारण ये ब्लो होल वाला प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका रिमूवल करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आगे देखिए कितना डिग्री ऑफ डी ऑक्सीडेशन हुआ है, उस हिसाब से आपका स्टील को डिवाइड किया जाता है 3 ग्रुप में। ठीक है, कितना डीऑक्सीजेशन करवाए हैं, डीऑक्सीडेशन, उस हिसाब से स्टील को 3 हिस्से में हम लोग बांटते हैं। पहला हो गया आपका किल्ड स्टील, दूसरा हो गया सेमी किल्ड, तीसरा हो गया रिमिंग स्टील। किल्ड स्टील में क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरा रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, किल्ड स्टील में क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरा रिमूव कर दिया जाता है, और ऐसा स्टील जब सॉलिड होता है तो इसमें कोई भी ब्लो होल वाला प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ब्लो होल वाला प्रॉब्लम आ रहा था जब ऑक्सीजन था ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, तो क्या करता था, निकलता था तो वो होल क्रिएट कर देता था, लेकिन चूंकि इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है, तो इसलिए इसमें ब्लो होल नहीं बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका किल्ड स्टील। सेकेंड वन इज सेमी किल्ड स्टील। सेमी किल्ड स्टील में क्या होता है कि ऑक्सीजन को एकदम कम्प्लीटली हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली नहीं निकाला जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन रह जाता है स्टील में, जो कि क्या फॉर्म करता है, कार्बन मोनोक्साइड ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, CO का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। यहाँ तक समझ गए, किल्ड स्टील में ऑक्सीजन को पूरा रिमूव कर दिया जाता है, सेमी किल्ड में पूरा रिमूव नहीं किया जाता है, और रिमिंग स्टील में तो एकदम पार्शियली डीऑक्सीडाइज होता है, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में ऑक्सीजन रह जाता है, ठीक है, और नॉन डीऑक्सीडाइज, या तो मतलब कि ऑक्सीजन अच्छा खासा अमाउंट में रह रहा है, डीऑक्सीजेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में अच्छा खासा अमाउंट में CO जो है आपका निकलता है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। तो दीज स्टील्स हैव गुड सरफेस फिनिश। तो ये सब जो स्टील होता है, रिमिंग स्टील, इसका सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये तीनों के बारे में हम लोग देख लिए, किल्ड स्टील हो गया जिसमें ऑक्सीजन पूरा निकाल लिया जाता है, सेमी किल्ड में पूरी तरह से नहीं निकाला जाता है, स्किल्ड में ब्लो होल्स वाला प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, सेमी किल्ड में क्या होता है, पूरे अच्छे तरीके से ऑक्सीजन को नहीं निकाला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन जो बच गया उसमें वो फॉर्म करता है तुम्हारा CO ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, जब उसको ठंडा किया जाता है तो CO का फॉर्मेशन होता है। रिमिंग में आपका ऑक्सीजन अच्छा खासे अमाउंट में रह जाता है, या तो मतलब कि जरा सा भी ऑक्सीडेशन नहीं होता, मतलब जरा सा भी ऑक्सीजेशन ऑक्सीजन को नहीं निकाला जाता है, या फिर बहुत कम अमाउंट में, जिसके कारण अच्छा खासा अमाउंट में उसमें ऑक्सीजन रह जाने के कारण CO का अच्छा खासा CO का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। खैर, ऐसा स्टील में सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब छोटा छोटा पॉइंट था जो कि ग्रेड्स ऑफ स्टील जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब पॉइंट्स बहुत यूज होगा। जैसे आगे देखिए, अब देखते हैं ग्रेड्स ऑफ स्टील। तो बेसिकली ये 9 ग्रेड होता है स्टील का, ठीक है, 9 ग्रेड होता है, यहाँ पे आप लोग नीचे देख लीजिए, ये आपका ग्रेड है, E250, E275, E300, E350, तो ये सब आपका ग्रेड है स्टील का। ठीक है, यहाँ पे E मतलब होता है इंजीनियरिंग स्टील, E फॉर इंजीनियरिंग स्टील। ठीक है, अब देखिए सब ग्रेड को आपका ए, बी आर, बी ओ और सी, ये सब में डिवाइड किया गया है। जैसे E250 है, इसको 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है, फिर E275 है, इसको भी 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है, ये सब आपका सब डिवाइडेड हुआ है, फिर E300 है, ये भी 4 है, कहीं कहीं 2 भी है आपका, E450 को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, इसको भी 2 हिस्से में, E650 भी 2 हिस्से में। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिर आपका मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन दिया हुआ है, सेमी किल्ड, किल्ड, यह भी आपको समझ में नहीं आएगा, हम बस पहले बता दिए कि सेमी किल्ड किसको बोलते हैं और किल्ड किसको बोलते हैं। किल्ड में क्या होता है, पूरा ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है, वही सेमी किल्ड में क्या होता है कि पूरा ऑक्सीजन नहीं निकलता है, ठीक है, पूरा ऑक्सीजन को नहीं निकाला जाता, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब आगे देखिए, अब इसको बढ़िया से डिटेल में समझते हैं। तो टोटल 9 ग्रेड होता है स्टील का, ऐसे करके E250 से लेके टोटल 650 तक रहता है। तो
E250 से लेके E410 तक आपका सबका चार सब क्वालिटीज रहता है। कौन कौन सा? ए हो गया, बी आर हो गया, बी ओ हो गया, बी जीरो हो गया और सी हो गया। वही E450 से लेके E650 तक इसमें दो सब क्वालिटीज होता है, ए हो गया और बी आर हो गया। ठीक है, अब ये होता क्या है, सब क्वालिटी जैसे ए हो गया, बी आर हो गया, बी ओ हो गया, बी ओ नहीं, इसको बोलेंगे जीरो, बी जीरो एंड सी, ये सब क्या इंडिकेट करता है? द रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पैक्ट टेस्ट एंड मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन। तो ये बताता है कि इसमें इम्पैक्ट टेस्ट का जरूरत है कि नहीं। इम्पैक्ट टेस्ट हम लोग चेक करते हैं स्टील का, तो ये सब जो सब क्वालिटीज है वो बताता है कि इसमें इम्पैक्ट टेस्ट का जरूरत है कि नहीं, और मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन क्या है उसका, किल्ड है, सेमी किल्ड है, ये सब। ठीक है, तो जो इसका सब क्वालिटी ए है, ए में इम्पैक्ट टेस्ट का जरूरत नहीं होता है, इम्पैक्ट टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये आपका सेमी किल्ड भी हो सकता है, किल्ड भी हो सकता है। फिर आपका बी आर हो गया, बी आर में इम्पैक्ट टेस्ट ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अगर इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे तो वो रूम टेम्परेचर में किया जाएगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर में किया जाएगा, और ये आपका सेमी किल्ड भी रह सकता है, किल्ड भी रह सकता है। फिर बी जीरो जो है उसमें इम्पैक्ट टेस्ट मैंडेटरी है, मतलब इम्पैक्ट टेस्ट करना ही है। और कितने डिग्री में? 0 डिग्री सेल्सियस में। इसको रूम टेम्परेचर में था, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस में, इसमें सेमी किल्ड रहेगा, किल्ड। नेक्स्ट है सी, सी में इम्पैक्ट टेस्ट मैंडेटरी है और ये आपका -20 डिग्री सेल्सियस में टेस्ट किया जाता है, इसमें बस किल्ड रहेगा। ठीक है, मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन क्या होगा? किल्ड होगा बस। ठीक है, अब देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या 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 एलिमेंट यूज होता है आपका स्टील में, क्या उसका परसेंटेज होता है। बेसिकली तो आपका आयरन एंड कार्बन से मिलके ही बनता है स्टील, ठीक है, लेकिन इसके अलावा उसका प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए कुछ कुछ और एलिमेंट हम लोग मिलाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, ये हो गया सी, हो गया कार्बन, एम एन हो गया मैग्नीज, एस हो गया सल्फर, पी हो गया फॉस्फोरस एंड एस आई हो गया सिलिकॉन। तो अगर हम लोग ग्रेड E250 का बात करें, ठीक है, ग्रेड E250 का बात करें, तो उसमें ये सब क्वालिटीज हो गया, ए, बी आर, बी जीरो और सी। ए में क्या होता है? इम्पैक्ट टेस्ट मैंडेटरी नहीं होता, इसमें भी नहीं रहता, इसमें भी सेमी किल्ड हो सकता है, इसमें भी सेमी किल्ड किल्ड हो सकता है, तो ये सब हम लोग ऊपर देखे थे। अब इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होना चाहिए आपका? 0.23, इसमें 0.22, ये दोनों में। फिर इसमें क्या होना चाहिए? 0.20। ठीक है, मैग्नीज का परसेंटेज दिया हुआ है, वैसे ही सब आपका जितना भी एलिमेंट है सबका परसेंटेज दे दिया गया है। ठीक है, तो कोड से हम लोग को यही पता चलता है कि क्या उसका कंपोजिशन है, क्या उसका स्ट्रेंथ अचीव होगा ऐसा कंपोजिशन रहा तो, ये सब हम लोग देख पाते हैं कोड। तो कोड हम लोग को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये जो आपका स्ट्रक्चरल स्टील का कोड है वो क्या है? IS 2062, 2062। ठीक है, तो इसमें हम लोग अलग अलग ग्रेड का क्वालिटीज जो है आपका, जैसे सब डिवाइडेड होता है ना, ये आपका सब क्वालिटीज है, ए, बी आर, बी जीरो, सी, उसमें कार्बन का क्या परसेंटेज होगा, मैग्नीज का क्या परसेंटेज होगा, सल्फर का क्या होगा, फॉस्फोरस का क्या होगा, सिलिकॉन का क्या होगा, और आपका कार्बन इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। कार्बन इक्विवेलेंट कैसे चेक किया जाता है? अब ये सब तो एलिमेंट है, ये सब तो सिंपली पता चल रहा है कि 0.40% डाला गया सिलिकॉन, फॉस्फोरस आपका 0.045% है, तो ये सब तो समझ में आ रहा है। ये कार्बन इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे ये कार्बन इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है, और जो गिवेन गिवेन डाटा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कार्बन इक्विवेलेंट कोई पार्टिकुलर ग्रेड के लिए। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, कार्बन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी प्लस एम एन, यानी मैग्नीज बाई सिक्स, फिर क्रोमियम प्लस एम ओ प्लस बी, वेलेडियम है सब, अपॉन 5 प्लस निकेल प्लस कॉपर अपॉन 15। तो ये फॉर्मूला, इसके थ्रू हम लोग कार्बन इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, और जो इसके थ्रू जो भी आपका कार्बन इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा वो आपका इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो गिवेन अमाउंट है 0.42 है तो इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 0.41 है तो उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, सभी ग्रेड का आपका मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन दिया हुआ है, ये सेमी किल्ड किल्ड हो सकता है, सेमी किल्ड और किल्ड, ये किल्ड है, ये सेमी किल्ड एंड किल्ड है, तो ये डिफरेंट ग्रेड्स हो गया और उसका मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और ये सब क्या हो गया? परसेंटेज हो गया, कार्बन का कितना होना चाहिए परसेंटेज, मैग्नीज का, सल्फर का, फॉस्फोरस, सिलिकॉन,
ये सब हो गया ठीक है। हर एक ग्रेड में उसका सब क्वालिटीज दिया हुआ है। E350 है तो उसका सब क्वालिटीज ये चारों हैं। सब क्वालिटीज के बारे में आप लोग समझ गए। A4 क्या होता है, जिसमें इम्पैक्ट टेस्ट नेसेसरी नहीं होता है ठीक है, और ये किल्ड भी हो सकता है, सेमी किल्ड भी हो सकता है। फिर BR क्या हो गया, इसमें इम्पैक्ट टेस्ट ऑप्शनल होता है, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, इसमें कंपलसरी होता है और इसमें भी कंपलसरी होता है। इसमें आपका 0 डिग्री सेल्सियस में किया जाता है आपका इम्पैक्ट टेस्ट, इसमें -20 डिग्री सेल्सियस में ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज हो गया अलग अलग एलिमेंट का। फिर मोड ऑफ डीऑक्सीडेशन दिया हुआ है। अब चूंकि ये सब कंपोजिशन था, ये बस बता दिया गया ठीक है। हम लोग को पढ़ना बेसिकली स्ट्रेंथ के बारे में, ये सब का नॉलेज रहना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब मेन आते हैं जो कि आपको पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी स्ट्रेंथ पढ़ना है हम लोग को। तो चूंकि हम लोग देख लिए कि 9 ग्रेड्स होता है, तो 9 ग्रेड्स में अलग अलग सब क्वालिटीज होता है। ए हो गया, BR हो गया, B0 हो गया, C हो गया। तो अलग अलग सब क्वालिटीज का क्या स्ट्रेंथ होता है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो ये चारों सब क्वालिटीज है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका 410 आ जाएगा ठीक है। अब उसका यील्ड स्ट्रेस देख लेंगे। अगर कोई बार है तो उसका, अगर उसका डायमीटर लेस देन 20 है ठीक है, लेस देन 20 है तो ये हो गया आपका यील्ड स्ट्रेस। अगर 20 से 40 है तो ये यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा, मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ले सकते हैं आप। फिर अगर ग्रेटर देन 40 है तो उसका 230 हो जाएगा आपका यील्ड स्ट्रेस ठीक है। आगे देखते हैं, अगर ये आपका ग्रेड है E275, तो इसका जो सब क्वालिटीज ये चारों दिया हुआ है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, 430 हो जाएगा। और यील्ड स्ट्रेस हम लोग देख लेंगे कि उसका डायमीटर क्या है, लेस देन 20 है तो 275 हो जाएगा, 20 से 40 के बीच में है तो 265, और ग्रेटर देन 40 है तो 255। वैसे इस हर एक का हम लोग ग्रेड का देख सकते हैं। अगर E300 है तो ये सब क्वालिटीज है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, और ये आपका करस्पॉन्डिंग यील्ड स्ट्रेस हो गया डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स के लिए ठीक है। 20 से लेस हुआ तो ये, अगर 20 से 40 के बीच में डायमीटर है तो 290, अगर 40 से भी ग्रेटर देन है तो 280 ठीक है। तो ऐसे टोटल हम लोग नाइन नाइन सब क्वालिटीज, नाइन सब क्वालिटी बोल रहे हैं, जो भी 9 ग्रेड है सबका हम लोग चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। दीज आर द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 2062 ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।